बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीजा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप इस वीडियो को कब देखेंगे मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तारीख है 18 मई 2023। क्यों बता रहा हूँ, वजह उसकी ये है कि इस वीडियो के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में बड़ी खबर बता दूँ आपको, दूसरे हिस्से में मैं आप लोगों की ही चीज़ें ही आपके सामने रख दूंगा, ताकि वो चीज़ें भी क्लियर हो जाए। बहुत ज़रूरी है, हज़ारों लोग बार बार वो बात कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है इसको बताना आपको। पहले हिस्से में आपको इन्फॉर्म कर दूं, आपके मीडिया पे आ चुका है और मैं जो खबर कवर कर रहा हूं वो बजाय इंग्लिश वर्जन लेने के मैं जियो से कवर कर रहा हूं, ताकि आप उसको पढ़ सकें। बैरूनी मुल्क मुलाजमों के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी नौजवानों के लिए बरतानिया से बड़ी खुशखबरी आ गई है। वजह बताते बताया गया है कि इन दिनों अफराजी कुव्वत की शदीद कमी का सामना है। इस कमी को पूरा करने के लिए बरतानिया ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर से जो हुनरमंद है, स्किल्ड वर्कर, मैं आपको कहता हूँ ना, स्किल सीख लो, काम सीख लो, उनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। और पहली बार बरतानिया ने 226 कैटेगरी को शामिल किया है। ये बहुत ज्यादा है। अब मुझे नहीं पता कि 226 में आप कहाँ फिट बैठते हैं। इसके लिए मैं जो कर सकता हूँ वो ये कर सकता हूँ कि या तो आपको ढूंढ लें, ठीक है, यूके की इमिग्रेशन वेबसाइट के ऊपर, और देख लें कि आपकी रिपोर्ट, आपकी असेसमेंट पूरी बैठती है, मतलब यू आर एलिजिबल और नॉट। अगर आप खुद कर सकते हैं ठीक है, वरना यही काम आप हमारे ऑफिस से करा सकते हैं, आपको असेसमेंट। और अगर काउंसलिंग दरकार है, मेरी भी काउंसलिंग दरकार है, तो आपको मिल जाएगी। मैं आपको इस वीडियो के अंदर 226 कैटेगरी डिस्कस नहीं कर सकता। यहां पर हम जब हमारी 1-to-1 होगी बातचीत आपसे, मेरी आपसे बात होगी, तो मैं आपको फिर क्लियर कर दूंगा कि आप एलिजिबल हैं नहीं हैं, आपका डॉक्यूमेंट क्या कह रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, वो मैं आपको 1-to-1 कर सकता हूँ। यहां पर मैं इकट्ठी बात करूंगा। इकट्ठी बात यह है कि पहली मरतबा आप देखेंगे पुलिस अफसरान, सहाफी, जजेस, खुफिया अफसरान, बैरिस्टर्स, वकला, फ्लाइट अटेंडेंट अफरादी कुव्वत की कमी कैटेगरी में मौसीकार, डांसर, डॉक्टर, अदाकार, साइंसदान समेत 31 मुख्तलिफ कैटेगरी को मुख्तस किया गया है। यह बहुत ज्यादा है। इसके अलावा ड्राइवर, इंस्ट्रक्टर, रेलवे स्टेशन असिस्टेंट्स, एयर होस्टर्स, केबन क्रू, ठीक है, डॉक्टर्स, दर्जी बरतानिया मुंतकिल हो सकेंगे, जबकि मिस्त्री, मजदूर, एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स, एसी फ्रिज इंजीनियर्स, वेल्डर्स, चैरिटी अफसरान और स्टेट एजेंट्स के लिए भी मौके हैं। ये मैंने कुछ बताया ना आपको, 20-25 बताया ना, 226 है। आपने सबसे पहले अपने आप को फाइनल करना है कि दिस इज माय कैटेगरी, यस आई एम एलिजिबल, माय डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट नाउ एंड आई हैव टू अप्लाई। तो ये मौका है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना, ठीक है। और अगर कोई किसी का हथौड़ा गर्म नहीं है, तो से किसी का अगर वो एलिजिबिलिटी पूरी नहीं बैठ रही है, तो वो भी तैयारी करें, तैयारी के बगैर नहीं होने वाला, याद रखिएगा, आपको मैंने बता दिया है। ओके, अब इसके ऊपर आपको मैं यही कह सकता हूँ, अगर किसी के असेसमेंट किसी को दरकार हो तो कर सकता है। हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ चले जाते हैं, जो आपके कंसर्न्स हैं वो ये है कि पहला सवाल ये आता है मेरे पास सबसे ज्यादा कि क्या फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं किसी भी काम के लिए, मतलब वर्क वीजा के लिए, इमिग्रेशन के लिए, स्टूडेंट के लिए, व्हाटएवर जो भी नाम लीजिए। दुनिया में फीमेल मेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वीजा है वीजा, वो मर्द और औरत को नहीं जानता, वो एलिजिबिलिटी को जानता है। इफ यू एलिजिबल यू विल गेट द वीजा, इफ यू आर नॉट एलिजिबल यू विल नॉट गेट द वीजा। फीमेल मेल आपका जाती मामला है, आप क्या हो वो आपके पास रहेगा। इसके अलावा अब एक सवाल आया मेरे पास, वो कहते हैं कि जी मैं 4 साल से आपकी वीडियो देख रहा हूं मगर मेरा काम नहीं हुआ। बड़ा दिलचस्प सवाल है, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की आपको, ये शायद मैं आपको समझा ना पाऊं। देखें, मैं मिसाल दे रहा हूं, ये मेरे हाथ में एक बोतल है, ठीक है, मैं 4 साल इसको अगर देखूं तो क्या ये खुल जाएगी? अगर मैं 4 साल तो क्या मैं सारी जिंदगी से देखूंगा, खुलेगी नहीं। मुझे खोलने के लिए हाथ चलाना ही पड़ेगा, और जब ये हाथ खोलेगा तो आपके सामने लपकते झपकते खुल जाएगी। मतलब ये हुआ कि आपने 4 साल तक देखा है सब कुछ, वीडियोज देखी हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है हाथ पैर मारने का। थोड़ा सा हाथ पैर मार लें, मेहनत के बगैर नहीं होगा, ठीक है, देखने से नहीं होगा, करने से होगा, अगर समझ में आए तो अच्छी बात है। दूसरा है कि अगर आपने आपसे करवाएं सारा काम तो खर्चा बताएं, ये बताएं, वो बताएं। बात ये है कि आप लोगों को हर वीडियो में नंबर दे दिए गए, ठीक है ना, मैं पर्सनली बैठकर आपको क्या बताऊं कि मैंने करना नहीं करना। मैं हमारे कोई बारबेक्यू शॉप तो है नहीं, आप जानते हैं कि हम वीजा का ही काम करते हैं, ठीक है। आपको मैं कई बार कह चुका हूं कि हमारे पास या तो वर्क वीजा का मामला है, या तो हमारे पास इमिग्रेशन का मामला है, या हमारे पास विजिट वीजा है, या मतलब ट्रांसिट वीजा है, डिपेंड कि आपकी ख्वाहिश क्या है, आपका काम क्या है। अगर मगर वाली बात ना करें, क्लियर बात करें, बोले कि जी आप फोन करें
आपके पास लैंड लाइन्स हैं, ये और ये बात भी ना करें कि मैंने 10 दिन पहले जो है वो व्हाट्सएप किया था जवाब नहीं आया, 10 दिन वाले को छोड़ देना, आज कॉल कर लें यार, 2 रुपए खर्च होंगे, कॉल करें, लोकल कॉल है, लोकल लैंडलाइन है, कॉल करें 10 से 5 के बीच में, बात कर लें, क्या मसला है। अब आप कह रहे हैं 10 दिन से वेट ही कर रहा हूं, इतनी भी कंजूसी छीनी होती। आगे है जी, लाहौर ऑफिस कब ओपन होगा और क्या करें सर, किसों को भी बात यह है कि बिल्कुल खोलना था ऑफिस लाहौर का, लेकिन लाहौर के सूरत हाल जो है अभी तक रिपोर्ट हमारे पास क्लियर नहीं आई है, हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाए, हमें ये बता दिया जाए कि लाहौर में ऑफिस खुल सकता है और वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम वहां पर खोल लेंगे। इस टाइम सूरत हाल जो है हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है वो सिक्योरिटी कंसर्न हैं, इसलिए हम उसको अभी इनिशिएट नहीं कर सकते, ना ही मैं वहां पर अभी फिलहाल विजिट कर सकता हूँ क्योंकि मेरी नीयत थी तो, लेकिन अब जो मैं इंशाल्लाह हालात और वाकयात को देखते हुए आपके दरमियान में हूँगा इंशाल्लाह। आगे आता है कि जी मेरा रिप्लाई नहीं आ रहा, मतलब किसी बंदे ने अप्लाई किया हुआ है उसका रिप्लाई नहीं आ रहा। गुजारिश ये है कि अगर रिप्लाई नहीं आ रहा तो उस दरमियान में जब भी आपने अप्लाई किया होगा, मान लीजिए जुलाई 2022 में अप्लाई किया होगा तो साल पूरा हो गया मान लीजिए, ठीक है ना, मई में किया, पिछले जनवरी में किया, ठीक है, उस दरमियान में आपने अपने ऊपर क्या मेहनत की, ये सवाल पैदा होता है, अपनी सीवी में क्या बदलाव लाया, आप कौन सी एफर्ट की, नंबर वन। नंबर टू, याद रखिएगा आप अपने ऊपर एफर्ट करेंगे तो लोग आपकी कदर करेंगे। मुझे भी वो कुछ मैंने कमेंट्स पढ़ रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा, आपस की बात है, उसमें लिखा था कि ऑनेस्ट रिप्लाई दें कि कौन सा मूव जो है वो वर्क वीजा देते हैं। ऑनेस्ट रिप्लाई ये है कि हर मुल्क जो है वो वर्क वीजा देता है, लेकिन आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे नहीं कर रहे, हर मुल्क अपनी जरूरत पूरी कर रहा है, वो आपके शौक नहीं पूरे कर रहा। दिमाग में रखिएगा, कोई अगर आपको जॉब दे रहा है, इस टाइम बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है मेरा दिल बाग बाग हो जाता है, मेरी आज एक लड़के से बात हुई है, मेरा दिल बाग बाग हो गया, वो 4 मुल्कों में काम कर रहा है, पाकिस्तान से बैठ के 4 मुल्कों में काम कर रहा है, रिमोट वर्क कहते हैं उसको, ठीक है ना, और जो सैलरी आप ड्रीम कर सकते हैं वो 4ों से ले रहा है उतनी, ठीक है ना, यानी कि ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग मेरे लिए। तो कुछ लोग दिल भी खुश करते हैं मेरा और कुछ दिल जलाती भी है, लेकिन दिल खुश करने वाले ज्यादा लोग हैं। तो उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने मेहनत कर ली अपने ऊपर, आप भी मेहनत करें, जवाब देगा तमाम चीजें भी होंगी। तो ऑनेस्ट रिप्लाई यही है कि मेहनत करें, ठीक है ना, इंसान मेहनत करता है तो वो आप समझ लीजिए जहाज बन जाता है, जहाज होता है ना, 1 साल में लगता है उसको, मेहनत टाइम लगता है, हर काम में टाइम लगता है, जब वो जहाज बनता है तो उसके लिए क्या होता है कि आप 4 घंटे पहले एयरपोर्ट जाते हैं, वेट करते हैं, जहाज वाला बिहेवियर ना, और फिर वो आपको एक प्रॉपर प्रोसेस गुजार कर 4 घंटे के बाद बिठाने की बात करता है, करीब तमीज तरीके से, आप आवाजें दे रहे हो जहाज इधर मुझे दुबई जाना है। कुछ लोग रक्षा बन जाते हैं, ठीक है ना, रक्षा को हर कोई ऐसी आवाज दे रहा होता है, ओ रक्षा, ठीक है ना। तो अपनी लाइफ में कोशिश करें, अगर आप जहाज ना बन सके तो रक्षा ना रहो, नंबर वन। नंबर टू, अगर जहाज ना बन सके तो कम अज कम हेलीकॉप्टर बन जाओ, ट्विन ऑर्डर बन जाओ, कुछ बन जाओ, इससे आगे निकलो, रक्षा से आगे निकलो, ठीक है ना, वरना आप चाहते हो कि बस हमें कोई अडॉप्ट कर ले, अडॉप्ट नहीं होगा, इसके अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि जो खर्चा इंसान पर आता है वो आपको भी बर्दाश्त करना पड़ता है। मुझे कमेंट आते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, ऑलमोस्ट जो एक भिखारी सोच होती है ना वो वहां झलकती है और यहाँ आके मेरा दिमाग खराब होता है। वो ये है कि जब कहते हैं कि जी वो क्या करे जिसके पास पैसे ही नहीं होते, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अल्लाह आपको भला करेगा, गरीब की पूरी कर देंगे तमाम चीजें, ठीक है ना। तो इसमें वो आखिरी में बस ये जुमला नहीं कहता कि जो कर दे काम उसका ही भला, जो ना करे उसका ही भला, वो रह जाता खाली। देखें, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, अपने बेड को छोड़े, अपने मोबाइल को रखें, हैंड फ्री को रखें, थोड़ा सा कष्ट करें, निकले बाहर, ठीक है ना, अपने ऊपर मेहनत करें, जहमत करें। आपको अगर मैं कह भी दूं ना मिसाल दें कि मैं आपको फ्री भेज रहा हूं, यकीन जानिए पता आपने कहना क्या कहना है मुझे, जब आप मेरे शहर आए ना तो मुझे बताइएगा, फिर आपसे मिल लूंगा, फिर मुझे भिजवा दीजिएगा। आपने यकीन मैंने ये कहना है, आपने ये भी नहीं कहना कि जी मैं आपके पास, आप जहां पर हैं मैं आपके पास आ सकता हूं, नहीं आएंगे आप, क्योंकि जिस आदमी की ये टेंशन है ना, वो जिस तरह बच्चा होता है ना, वो कहता है कि कौन सा लेजी बच्चा है स्कूल में क्लास में, मैंने उसको 100 रुपए देना है, तो सारे बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं, एक नहीं खड़ा करता, तो टीचर बोलते हैं यही लेजी बच्चा है, ठीक है ना, आपको 100 रुपए देते हैं, कहता आ जा मेरी जेब में डाल दे, तो आप जो है ना फिर वही काम करेंगे मेरे साथ, आ जाओ और मेरा वीजा मेरी जेब में डाल दे। तो इस तरह कोई नहीं देगा वीजा आपको, आकर जेब में नहीं डालेगा, अगर पैसे नहीं है तो कमाओ, काम करो। ये जो मैं आपको मिसाल दी आज कि एक बंदा 4 जगह पे काम कर रहा है, एक जगह पे काम कर लो, जिस घर में आपके पास नेट मौजूद हो
जिस हाथों में स्मार्टफोन मौजूद हो और वो जब नहीं कमा सकता, वो आदमी दुनिया में फेल है, उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं नहीं कमा सकता, वो कमा ही नहीं सकता, वो नाकाम आदमी है, फेल आदमी है, जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन हो और स्मार्टफोन हो और वो कहे कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे भिजवा दीजिए, वो आदमी नालायक है, वो आदमी फेल है। उस कैटेगरी में अपने आप को मत रखना कभी भी। अगली वीडियो में ध्यान रखना।